नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत आप सभी का ओबली प्रेप्स में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं आज यूपीपी मिशन 2019 में स्टेटमेंट एंड अजप्शन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। फ्रेंड्स, जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो वास्तव में लॉजिकल होते हैं, आपको लॉजिक के आधार पर इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्नों के माध्यम को हम लॉजिक को समझते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि जो दिया गया है, दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सही समझें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं या पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं यानी इम्प्लिसिट हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह आपका एग्जाम में कथन दे रखा है और उसके बाद दो पूर्वानुमान हैं, दो पूर्व धारणाएं हैं। तो कथन में दिया गया है कि क्लास में बात करना मना है, नोटिस बोर्ड पर सूचना। उसके बाद जो पहला पूर्वानुमान है वो यह है कि बच्चे सूचना पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान यह देना होता है जो चीज जनहित में जारी होती है उन्हें यह माना जाता है कि लोग इस पर ध्यान देंगे। तो ये जो नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है ये बच्चों के लिए जारी किया गया है, तो इस हिसाब से हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पहली धारणा क्या है, सही है। और जो दूसरी धारणाएं दी गई हैं उसमें यह है कि बच्चे सूचना पढ़ेंगे और कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा, जस्ट उल्टा है पहले वाले का, अर्थात गलत है। तो इस प्रकार जो भी पूर्व धारणाएं होती हैं वो कथन के अपोजिट नहीं जा सकती, लेकिन ये जो दूसरी वाली धारणाएं हैं ये कथन की क्या है, ठीक विपरीत है। तो इस प्रकार ये वाला सेकंड वाला हमारा गलत होगा। तो अब सिर्फ एक ही है, उसके बाद ऑप्शन के रूप में दिया गया है पहला केवल धारणा एक अंतर्निहित है, फिर दूसरा है केवल धारणा दो सेकंड अंतर्निहित है, फिर तीसरे ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन जो है ना तो धारणा पहली और ना ही धारणा दूसरी अंतर्निहित है, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें धारणा पहली और धारणा दूसरी दोनों अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारी कौन सी धारणा थी, एक ही धारणा यानी पहली धारणा क्या थी, अंतर्निहित थी, इम्प्लिसिट थी। तो ए ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है उसमें कई कथन है फिर पूर्वानुमान है, और हमें बताना है कि कौन सा पूर्वानुमान निश्चित रूप से सही है। तो दिया गया है सभी व्यक्ति उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, एक कथन है। फिर उसकी जो पूर्वानुमान है, पूर्व धारणाएं हैं, वह यह है कि केवल उपन्यास ही पढ़ने की चीज है, तो यह गलत हो जाएगा। जहां कहीं भी कोई भी चीज पर्टिकुलाइज कर दी जाए तो वह चीज गलत हो जाती है, उसको हम क्या मानते हैं, वह पूर्वानुमान हमेशा गलत होता है। तो इस प्रकार से पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कोई भी व्यक्ति दूसरी चीज पढ़ना पसंद नहीं करता, यह भी पर्टिकुलाइज की जा रही है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कि अब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ना तो धारणा पहली और ना ही धारणा दूसरी अंतर्निहित है, जो कि सी विकल्प में मौजूद है। तो सी विकल्प फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि सरकार ने घाटे को कम करने के लिए, दिया गया है सरकार ने घाटे को कम करने के लिए इनकम टैक्स की दर को बढ़ा दिया है। फिर पूर्वानुमान है, जो पहला पूर्वानुमान है वह है घाटे को कम करने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। तो फ्रेंड्स, जब भी सर्वोत्तम आए तो उसे हम गलत मानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज सर्वोत्तम नहीं हो सकता, उससे भी और अलग तरीके हो सकते हैं, अच्छे तरीके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको गलत मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा जो पूर्वानुमान है वह यह है कि घाटे को कम करने का यह एक मर्यादित तरीका है, यानी आइडियल तरीका है, तो सही है, कोई भी चीज आइडियल हो सकती है। तो इस प्रकार से सेकंड वाला क्या होगा हमारा फ्रेंड, सही होगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में सिर्फ सेकंड क्या है, इम्प्लिसिट करता है, अंतर्निहित है। तो दिया गया जो विकल्प है बी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर लेते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि गोरेपन के लिए अपने मनपसंद क्रीम फेयर एंड लवली का प्रयोग करें, एक विज्ञापन। यह क्रीम, फिर पूर्वानुमान हमारा है कि यह क्रीम सभी क्रीमों से उत्तम है, फिर दूसरा है लोग गोरा होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कथन के अकॉर्डिंग चलना होता है, जो चीज कथन में क्या करती है, फॉलो नहीं कर पाती, यानी कथन के ठीक अपोजिट होती है वह चीजें क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो पहला हमारा दिया गया यह क्रीम सभी क्रीमों से उत्तम है, तो हम क्या करेंगे, इसे गलत कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, इससे भी अच्छी अच्छी क्रीमें क्या है मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, कोई भी चीज उत्तम नहीं होती। लेकिन अगर कथन में सर्वोत्तम होता या उत्तम होता तब इसे हम क्या करते, सही मानते। तो इस प्रकार सेकंड वाला फिर दिया गया है लोग गोरा होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लोग गोरा होना चाहते हैं, इसीलिए क्रीम का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोग गोरा होना चाहते हैं, ये सेकंड वाला क्या है, अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है, तो ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है, तो बी ऑप्शन आपका फ्रेंड सही हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर। कृपया अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें, बस में लिखी एक सूचना है, कथन के रूप में है कृपया अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें, यह बस में लिखी हुई एक सूचना है। फिर जो पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान होता क्या, वास्तव में किसी अदर पर्सन यानी सेकंड पर्सन के द्वारा सोची गई चीजें होती हैं, तो वह व्यक्ति जो है सोच रहा है, पहला जो सोच रहा है वह यह है कि अपने सामानों की सुरक्षा न करने से चोरी हो सकती है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कथन को फॉलो कर रही है, कोई भी चीज लिखी गई है तो या मान के लिखी गई है कि आप अगर अपने सामान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें चोरी होने की संभावनाएं हैं। तो इसी प्रकार पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। फिर दूसरा दिया गया है जो सेकंड पूर्वानुमान है वह है यात्री ऐसी सूचनाओं पर ध्यान देते होंगे। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि कोई भी चीज जो जनहित में जारी होती है वह इसीलिए जारी होती है कि लोग उस पर ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमारा सेकंड विकल्प भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा जो दिया गया सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, धारणा पहली और धारणा दूसरी दोनों अंतर्निहित है जो कि डी ऑप्शन में क्या है उपलब्ध है, तो डी ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स सही होगा। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, उसमें जो कथन दिया गया है वह यह है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान किया जाए, फिर पूर्वानुमान है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को रक्त की जरूरत है, फिर दूसरा है लोग अनुरोध पर ध्यान देते होंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज जो जनहित में जारी होती है वह यह मान के जारी होती है कि उस चीज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार क्या होगा हमारा पहला जो दिया गया अनुमान है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि लोग अनुरोध पर ध्यान देते होंगे, तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज जनहित में जारी होती है तो यह मान के जारी होती है कि लोग उस चीज को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा सेकंड वाला भी सही हो जाएगा जो आपके किस विकल्प में है, डी वाले विकल्प में मौजूद है, धारणा पहली और धारणा दूसरी दोनों अंतर्निहित है, तो डी वाला विकल्प फ्रेंड्स आपका सही होगा। हाय फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर भी है, दिया गया है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सही समझें और निर्णय लें कि कथन में कौन सा तर्क प्रबल है। तो फ्रेंड्स ये कथन एवं तर्क का क्वेश्चन है, हमें कथन और तर्क के क्वेश्चन में यह ध्यान देना होता है कि जो तर्क क्या होता है प्रबल होता है उसे हम वरीयता देते हैं और जो तर्क प्रबल नहीं होता उसे वरीयता नहीं दी जाती है। तो आइए पहले एक बार कथन को देखते हैं उसके बाद तर्क को। पहले कथन दिया गया है क्या भारत में विलासितापूर्ण होटलों पर पाबंदी लगा देना चाहिए, उसके बाद तर्क पहला है हाँ या अंतरराष्ट्रीय अपराधी छिपते हैं, फिर जो दूसरा है वह नहीं इससे धनवान विदेशी पर्यटक को रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम पहले तर्क को देखें जो हाँ करके दिया गया है तो इसमें कहा गया है यहां अंतरराष्ट्रीय अपराधी छिपते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। अगर यहां अंतरराष्ट्रीय अपराधी छिपते हैं तो उनको जो है हटाने का कोई दूसरा भी तरीका है, यह तरीका सही नहीं है कि होटलों को ही हटा दिया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह पहला वाला क्या हो गया गलत हो गया, यह इम्प्लिसिट नहीं कर रहा था। फिर जो दूसरा है नहीं करके इससे धनवान विदेशी पर्यटक को रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे हमारा नहीं वाला यानी सेकंड वाला क्या है तर्क मजबूत है सही है, तो सेकंड वाला क्या कर देंगे सही कर देंगे। तो हो जाएगा केवल धारणा पहली क्या है अंतर्निहित है, तो बी विकल्प हमारा सही होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में भी कथन है एवं तर्क है। तो तर्क में होता यह है कि आपका एग्जामिनर कथन के एक तो अपोजिट में हां करके रहेगा, दूसरा उसके पहला अपोजिट में रहेगा नहीं करके, फिर दूसरा उसके फेवर में रहेगा हां करके। तो हमें चुनना होता है कि कौन सा उसमें ज्यादा प्रबल है, अगर जो ज्यादा प्रबल होता है उसे हम वरीयता देते हैं, अगर दोनों प्रबल है तो दोनों को वरीयता देते हैं। तो पहला दिया गया है कि क्या भारत में सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादकों पर रोक लगा देना चाहिए, फिर कह रहा है तर्क है हमारा हाँ यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और जानलेवा भी है। तो इस प्रकार क्या है ये सही है, ये जन कल्याण के लिए है तो ये भी क्या है सही है। फिर दूसरा है नहीं दूसरे उत्पाद क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसका बस इतना ही कारण है कि जिस चीज का प्रभाव लोगों पर बुरा पड़ता है वो चीजें क्या होती हैं सही होती हैं, लेकिन कह रहा है कि दूसरे उत्पादक क्या करेंगे ये क्या है गलत है। तो इस प्रकार हम नहीं वाला क्या करेंगे गलत कर देंगे और पहला हाँ वाला सही करेंगे। तो केवल धारणा पहली क्या है इम्प्लिसिट है अंतर्निहित है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कथन है कि दिल्ली से मुंबई शीघ्रता से जाने के लिए वायुयान से जाएं, एक सलाह है, फिर पूर्वानुमान है कि दिल्ली से मुंबई वायुयान सेवा से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज सलाह आपको दी जाती है तो यह मान के दी जाती है कि वह चीज संभावनाएं क्या है निश्चित रूप से वायुयान सेवा है, तभी तो कोई व्यक्ति आपसे यह चीज कह रहा है। तो इस प्रकार यह क्या है सही हो जाएगा। फिर दूसरा जो दिया गया है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कोई और साधन उपलब्ध नहीं है, तो यह गलत है, तो यह क्या हो जाएगा सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पहला ही सही है, दिल्ली व मुंबई वायुयान सेवा से जुड़े हैं। तो इस प्रकार केवल पहला वाला तर्क क्या है इम्प्लिसिट करता है अंतर्निहित है, तो हमारा ये पहला वाला सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 10वां नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि कथन है राजा कंसल्टिव प्राइवेट लिमिटेड एक मात्र ऐसी फर्म है जो कर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। तो यह कथन है और फिर पूर्वानुमान इसके दिए गए हैं, दो पूर्वानुमान है। पहला है परामर्श न लेने से लोगों को जोखिम उठाना पड़ सकता है, तो फ्रेंड सही है लोगों को जोखिम उठाना पड़ सकता है इसीलिए तो लोग परामर्श लेना चाहते हैं,
कि परामर्श लेने से उनको जोखिम ना उठाना पड़े, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले वाले को सही कर देंगे। फिर दूसरा है, लोग कर से संबंधित विषयों पर परामर्श चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर लोग परामर्श चाहते ना होते तो वो अपने फर्म को संचालित ना कर रहा होता, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को भी क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, धारणा पहली और धारणा दूसरी दोनों अंतर्निहित हैं, दोनों क्या करती हैं उसको, दोनों पूर्वानुमान लागू होते हैं, तो इस प्रकार हमारा दसवां नंबर भी क्वेश्चन सही होगा। आइए फ्रेंड्स हम लेते हैं जो आज के सेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है, और जो पिछले वीडियो का आंसर है उसको हम आपको बता दें, वो दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वह यह है कि दिया गया है क्वेश्चन में एमओ पहला दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है 46, 46, फिर समान बात का साइन है, उसके बाद एचजे दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो फ्रेंड्स हमें इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता था, पहले समूह में देखना होता था, जिस प्रकार से पहले समूह में पहला वाला पद दूसरे वाले पद से संबंधित होता था, उसी प्रकार से हम दूसरे वाले समूह में जाते थे, तीसरे वाले पद को चौथे वाले पद से संबंधित करते थे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार संबंधित है। अगर हम एम के पोजिशन वैल्यू की बात करें तो इसका होता है 13, ओ का होता है 15, इनके सिंगल सिंगल मान को जोड़े तो 3, 1, 4, 4 लिखा गया है, इनके भी सिंगल सिंगल मान को जोड़े तो 5, 1, 6, 6 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम एचजे को भी क्या करेंगे, सिंगल सिंगल लेटर को जोड़ेंगे, तो एच का 8 होता है, ये खुद ही सिंगल है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर दिया गया है जे, जे क्या है हमारा 10 होती है पोजिशन वैल्यू, अब इसमें जोड़ेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो 81 हमारा प्राप्त होगा जो कि आपके डी सी विकल्प में मौजूद है, तो सी विकल्प हमारा सही है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में बने हुए बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। थैंक यू।